नमस्ते बच्चों। बच्चों, रात में जब चारों ओर अंधेरा हो जाता है तो तुम उजाला करने के लिए क्या करते हो? हाँ, बिल्कुल ठीक, दिया जलाते हो, लालटेन जलाते हो, टॉर्च जलाते हो और लंबे समय तक प्रकाश के लिए बिजली का उपयोग करते हो। बिजली ऊर्जा का एक स्रोत है। इसी तरह कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, लकड़ी और सूर्य ऊर्जा के स्रोत हैं। धीरे धीरे इनके भंडार कम हो रहे हैं, इनकी मांग बढ़ रही है और उत्पादन कम हो रहे हैं। वैज्ञानिक ऊर्जा के नए नए स्रोत खोज रहे हैं और उसकी बचत के उपाय भी बता रहे हैं। हमें भी ऊर्जा की बचत करना चाहिए। बिजली के उपकरणों का उपयोग करने के बाद उसे बंद कर देना चाहिए। आवश्यकता अनुसार ही ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। हमारी यही छोटी छोटी सी आदतें ऊर्जा की बचत करती हैं। तो आइए आज हम कक्षा चौथी के पाठ 14 ऊर्जा की बचत पाठ का अध्ययन करते हैं। इस लेख में कुछ पात्र हैं। इसमें एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम मीनू है, एक और छोटी सी लड़की है जिसका नाम रजिया है और मौसी है। जाड़े के दिन थे। मीनू अपने आंगन में रस्सी कूद रही थी। 1, 2, 3, 4, 25 तक आते आते थक कर हाँफने लगी। उसकी माँ सोलर कुकर में दाल, चावल, आलू रख रही थी। इतने में मीनू की सहेली रजिया आई और बोली, मौसी ये क्या कर रही हो? इस बक्से में आप क्या रख रही हैं? मौसी कुछ जवाब देती। इसी बीच मीनू ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, यह बक्सा नहीं है, सोलर कुकर है। सोलर कुकर? मौसी यह क्या होता है, यह किस काम आता है? अब मौसी बोली, बेटी इसे सोलर कुकर कहते हैं। सोलर का अर्थ है सूर्य और कुकर का अर्थ है खाना बनाने का यंत्र। सोलर कुकर का अर्थ हुआ वह यंत्र जिसमें सूर्य की ऊर्जा से खाना पकता है। मौसी हमें सोलर कुकर की आवश्यकता क्यों पड़ी? खाना तो हम चूल्हे पर, स्टोव पर और गैस पर भी बनाते हैं। मौसी बोले, यह तो तू जानती है, हमारे देश की जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। ऊर्जा के जो स्रोत हैं लकड़ी, तेल, गैस आदि, वे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसलिए नए स्रोतों को खोजा जा रहा है। सूर्य से हमें बहुत ऊर्जा मिल सकती है, इसलिए वैज्ञानिकों ने यह नया यंत्र बनाया है, सोलर कुकर। इसमें खाना पकाया जाता है, इसमें खाना बहुत स्वादिष्ट पकता है। मौसी इसमें काले काले डिब्बे रखे हैं, भीतर आईना लगा है, यह किस लिए? हाँ देख, इसके ढक्कन में अंदर की तरफ बड़ा सा आईना लगा है। उसके बाद यह एक पारदर्शी कांच की पट्टी है। बक्से के अंदर खाना रखने के लिए काले काले डिब्बे हैं। बक्से के ढक्कन को खोलकर धूप की तरफ रखते हैं। सूरज की किरणें आईने से टकराकर अंदर वाले कांच पर सीधी पड़ती हैं। इसकी गर्मी से ही डिब्बों में रखा खाना पकता है। मौसी खाना तो गैस चूल्हे पर भी पक जाता है, फिर सोलर कुकर में क्यों पकाया जाए? मौसी ने बताया, तू ठीक कहती है, खाना तो चूल्हे पर लकड़ी जलाकर, मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव पर या गैस के चूल्हे पर भी बनता है, लेकिन इन साधनों से खाना बनाने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उससे बहुत कम ऊर्जा इस सोलर कुकर में लगती है। इससे सबसे बड़ा लाभ यह है
कि हमें लकड़ी जलाने या मिट्टी का तेल जलाने या गैस जलाने पर जो खर्च होता है सोलर कुकर पर, ऐसा कोई धन खर्च करना नहीं पड़ता है। मौसी, लकड़ी या मिट्टी के तेल को बचाने का सवाल नहीं है। कभी बिजली की कमी हो जाती है, कभी पेट्रोल की कमी हो जाती है, इनको बचाने के भी उपाय होने चाहिए। तू ठीक कहती है बेटी, वैज्ञानिक दिन रात इनको अधिक से अधिक बचाने के उपाय सोच रहे हैं। तूने वायु ऊर्जा के संबंध में सुना होगा, पवन चक्कियाँ बनाई जा रही हैं जो हवा की ऊर्जा से चलती हैं। ये चित्र में आप देख रहे हैं ना, पवन चक्कियाँ हैं ये। आप लोगों को भी अपनी पवन चक्की बनाना चाहिए। पहाड़ों पर पानी की धार से बिजली पैदा की जाती है और उससे आटा चक्कियाँ चलती हैं। अपने राज्य के गाँव में गोबर गैस से बहुत ऊर्जा पैदा की जाती है जो तरह तरह से हमारे काम आती हैं। आप लोग गांव में गोबर गैस का संयंत्र देखे हैं ना, ये है गोबर गैस का संयंत्र। मौसी, वैज्ञानिक तो ऊर्जा के नए नए स्रोत खोज रहे हैं, हम लोगों को भी कुछ काम करना चाहिए। बेटी, तूने बहुत अच्छी बात कही। अगर हर आदमी ऐसा सोचे तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। बिजली की बचत के लिए हम आसानी से यह कर सकते हैं कि जब प्रकाश या हवा की ज़रूरत ना हो तो बिजली के बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे न चलाए जाएं। बल्ब जलाने से अधिक मात्रा में बिजली खर्च होती है, उनके स्थान पर ऐसी ट्यूबलाइट या बल्ब जलाएं जिनमें बिजली कम खर्च हो। विवाह, शादी, जन्मदिन आदि अवसरों पर अधिक तड़क भड़क न करें। इसी प्रकार नल से जितना पानी ज़रूरी हो उतना ही लें, फालतू पानी न बहने दें। मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार का कम से कम उपयोग करें। हर चीज़ की बचत करना हमारी आदत बन जाए तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। मौसी, मैं तो मीनू के साथ बैठकर होमवर्क करने आई थी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, मैं भी ये बातें अपनी सहेलियों को बताऊंगी। मीनू, अब चल थोड़ा पर्यावरण अध्ययन पढ़ लें। तो बच्चों, आपने अभी इस पाठ में ऊर्जा के स्रोतों को देखा और ऊर्जा के बचत के तरीकों के बारे में जाना। अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं? उत्तर है, लकड़ी, तेल, कोयला, पेट्रोल और सूर्य आदि ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर किस काम आता है? तो आप लोगों को मालूम ही है, सोलर कुकर खाना बनाने के काम आता है। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर का वर्णन करो। तो आप लोगों ने पाठ में देखा है ना, मौसी ने क्या क्या बताया सोलर कुकर के बारे में। आइए अब हम यहाँ देखते हैं। सोलर कुकर के ढक्कन में अंदर की तरफ बड़ा आईना लगा होता है, उसके बाद एक पारदर्शी कांच की पट्टी होती है। बक्से के अंदर खाना रखने के लिए काले काले डिब्बे होते हैं। बक्से के डिब्बे को खोलकर धूप की तरफ रखते हैं। सूरज की गर्मी आईने से टकराकर अंदर वाले कांच पर सीधी पड़ती है। इसकी गर्मी से ही डिब्बों में रखा खाना पकता है। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर से क्या क्या लाभ हैं? तो इसका उत्तर है, सोलर कुकर में बना भोजन स्वादिष्ट और पौष्टिक रहता है। इसके बने खाने में सभी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। ऐसा भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। अब अगला प्रश्न है, बिजली की बचत
किस प्रकार की जा सकती है। तो बच्चों, आपने पाठ में देखा ही है कि बिजली की बचत हमें कैसे करना चाहिए। तो यहाँ उत्तर है, बिजली की बचत हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला है, जब प्रकाश और हवा की आवश्यकता न हो तो लाइट पंखा बंद कर देना चाहिए। अगला है, बल्ब की जगह CFL का उपयोग करना चाहिए। अगला है, शादी विवाह जन्मदिन आदि अवसरों पर अधिक तड़क भड़क नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों वाक्यांशों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। अब यहाँ दिया गया है, अधिक से अधिक, नए नए, तरह तरह। तो इसके लिए हमने दो खंड यहाँ बना लिए हैं, एक में शब्द हैं और एक तरफ हमने वाक्य में प्रयोग किया है। तो पहला क्या है, अधिक से अधिक। तो इसका वाक्य में प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, आइए इसका प्रयोग हम इस तरह से कर सकते हैं, बिजली की अधिक से अधिक बचत करने से हमारी समस्याएं दूर होंगी। अब अगला देखते हैं, नए नए, नए नए से कौन सा हम वाक्य बना सकते हैं, ईद के दिन सभी नए नए कपड़े पहनते हैं। अब अगला है, तरह तरह, तो आप लोग भी तरह तरह का उपयोग बहुत बार करते हैं ना। यहां मैंने किया है, बगीचे में तरह तरह के फूल खिलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब यहाँ शब्द दिए गए हैं, अधिक, ठीक, उपयोग, अर्थ। यहाँ भी हमने दो खंड बना लिए हैं, एक तरफ शब्द और एक तरफ विलोम। अधिक का विलोम शब्द क्या होगा, विलोम शब्द को उल्टे शब्द भी कहते हैं ना, तो अधिक का उल्टा क्या होगा, हाँ बिल्कुल ठीक, अधिक का कम। ठीक, ठीक का उल्टा क्या होगा, गलत। उपयोग, उपयोग का विलोम है अनुपयोग। अर्थ, अर्थ का विलोम है अनर्थ। अगला प्रश्न है, एक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाओ। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं प्रत्यय में हमको क्या करना रहता है, हाँ प्रत्यय कहाँ लगता है, प्रत्यय शब्दों के पीछे लगता है और उससे नए शब्द बनते हैं, है ना। तो यहाँ हम एक प्रत्यय है उसका उपयोग यहाँ देखेंगे, समाज में एक लगाएंगे तो नया शब्द क्या बनेगा, सामाजिक। धर्म, धर्म में एक लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा धार्मिक। परिवार, परिवार में जब हम एक लगाएंगे तो नया शब्द बन जाएगा पारिवारिक। साहित्य, साहित्य में एक लगाएंगे तो साहित्यिक। अर्थ, अर्थ में जब हम एक लगाएंगे तो आर्थिक। तो बच्चों, अभी हमने अभ्यास कार्य किया, अब मैं आप लोगों को घर से करके लाने के लिए गृह कार्य दे रही हूँ। तो इसका पहला प्रश्न है, हम पेट्रोल की बचत कैसे कर सकते हैं, लिखो। आप लोग इसको घर से लिख कर लाएंगे। अगला प्रश्न है, स्वच्छ, नम्र, पवित्र शब्दों में ता जोड़कर नए शब्द बनाओ तथा वाक्यों में प्रयोग करो। अगला प्रश्न है, पानी को बचाने के कोई 10 उपाय लिखो। अगला प्रश्न है, यदि तुम्हारे आसपास गोबर गैस से चलने वाला कोई यंत्र हो तो उसके संबंध में विस्तार से जानकारी लिखो। अगला प्रश्न है,
सोलर कुकर का चित्र बनाओ। तो ये सारे प्रश्न आपको घर से करके लाना है। हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।